Hello everyone, welcome my channel, Oscar Movie Explain, The Last Man on Earth. इस सीरीज की शुरुआत एक वायरस से होती है। दुनिया में रहने वाले लोग अचानक गायब हो जाते हैं, बस एक फील नाम के आदमी को छोड़कर। फील एक बस को लेकर अमेरिका के हर शहर हर गांव में जाता है, इसी उम्मीद में शायद उसको कोई इंसान मिल जाए। पर उसे शहर खाली मिलता है और उसके पास जो मैप था उसके अकॉर्डिंग सब शहर खाली थे। फिर वे अपने टुकसोन आ जाता है और साथ ही साथ वे जिस शहर गया था वहां से कुछ ना कुछ सामान लेकर आया था। टुकसोन आने से पहले फील ने हर शहर में मैसेज छोड़ दिए थे, टुकसोन में कोई जिंदा है तो उसको ढूंढता हुआ टुकसोन आए। टुकसोन आने के बाद शहर के सबसे बड़े घर को अपना घर बना लेता है, अपना सामान वहाँ शिफ्ट कर देता है। के बाद फिल अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बहुत से इल्लीगल काम करता है, जैसे शीशा तोड़ना, सुपरमार्केट से खाना चुराना, गाड़ियों को जलाना। वह अलग अलग बॉल पर अलग अलग शक्लें बनाकर उनको अपना दोस्त बना लेता है और हर वक्त उन्हीं से बातें करते रहता है। फिर इसके बाद हम 5 महीने का वक्त देखते हैं जहाँ फिल बहुत बुरी हालत में दिखता है और उसके घर में गंदगी फैली हुई है। आखिरकार फिल अपनी गाड़ी में बैठकर सुसाइड करने वाला ही होता है, तभी उसको आसमान में काला धुआं नजर आता है। जब वो धुएं के पास पहुंचता है तो देखता है वहाँ पर एक लड़की नजर आती है जो उम्र में फिल से बड़ी है। वो वहाँ पर कैंप लगा कर रह रही है। उस लड़की का नाम कैरोल है। वह फिल को अपना इंट्रोडक्शन देती है और फिल को बताती है उसने फिल के मैसेज जगह जगह देखे हैं, जिसको देखकर वह टुकसोन आई है। कुछ बात करने के बाद वह कैरोल को अपने घर ले जाता है। जब कैरोल फिल का घर देखती है तो उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि फिल बहुत गंदगी में रह रहा था। फिल उसको वापस उसके कैंप छोड़कर आ जाता है और अपने घर आकर सो जाता है। अगली सुबह वह देखता है कैरोल उसके घर की सफाई कर रही है। फिर कैरोल से लड़ने लगता है। ऐसे किसी बात फिल अपनी बॉल से कैरोल की शिकायतें करने लग जाता है। फिर फिल एक दिन देखता है कैरोल उसके साथ वाले घर में शिफ्ट हो रही है। वह उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है मगर कैरोल उसकी बात नहीं सुनती। फिर कैरोल फिल को अपने गार्डन में पानी लाने के लिए कहती है मगर फिल साफ मना कर देता है। यह सुनकर कैरोल वहां से चली जाती है। फिल रात में कैरोल के घर के सारे टमाटर खा जाता है। अगले दिन कैरोल जब उससे लड़ने आती है तो फिल देखता है पानी ढूंढने के चक्कर में कैरोल ने अपने पांव पर लगवा लिए। फिल को बहुत बुरा लगने लगता है। वह शहर के मेन वाटर टैंक से कैरोल के घर पानी लाने का इंतजाम कर देता है, जिसके बाद कैरोल उसको डिनर पर इनवाइट करती है जहां पर उनकी काफी अच्छी बात होती है और कैरोल फिल को आइडिया देती है। कैरोल बोलती है शायद गॉड ने उनको इसलिए जिंदा रख रखा है वे दोनों दुनिया में फिर एक बार पॉपुलेशन बढ़ा सके। ये सुनकर फिल कैरोल से अंटीमेट होने को तैयार हो जाता है, लेकिन कैरोल फिल को मना कर देती है क्योंकि शादी से पहले वह किसी के साथ अंटीमेट होना नहीं चाहती। इसी बात पर फिल कैरोल को प्रपोज कर देता है और वह उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद फिल खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाता है। रात के टाइम आकर कैरोल फिल को वॉकी टॉकी देती है जिसके जरिए ये बात कर सके और उसको शादी के लिए रिंग खरीदने के लिए भी कहती है। फिर कैरोल अगले दिन अपनी शादी की तैयारी करती है। शादी का दिन आ जाता है और दोनों चर्च पहुंचते हैं जहां वॉइस रिकॉर्डर के जरिए शादी शुरू करते हैं। जब रिंग पहनाने की बारी आती है तो फिल को याद आता है वह रिंग लाना भूल गया है। इस बात पर गुस्सा होकर कैरोल वहां से चली जाती है। फिल उसको मनाने उसके घर आता है जहां वे देखता है कैरोल ने शादी की तैयारी में पूरा घर सजा रखा है, जिस वजह से वे गिल्टी फील करता है। आखिरकार वह कैरोल से माफी मांगता है। कैरोल भी उसको माफ कर देती है, जिसके बाद ज्वेलरी स्टोर में सारे रिंग कैरोल को पहना देता है और दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बाद इंटीमेट भी हो जाते हैं। लेकिन फिल ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। फिर फिल कैरोल के साथ वे सारे काम करता है जो वह अकेले किया करता था और वे दोनों गाड़ी में साथ घूमने जाते हैं। लेकिन अचानक फिल की गाड़ी साइड से आने वाली गाड़ी से टकरा जाती है और दोनों गाड़ियां एक बुरे एक्सीडेंट से बच जाती है। फिर फिल गाड़ी से बाहर आने के बाद दूसरे गाड़ी वाले को चेक करता है। गाड़ी से खूबसूरत लड़की रोजी बाहर आती है, जिसे देखकर फिल हैरान रह जाता है। पीछे कैरोल फिल को आवाज लगाती है। फिल कैरोल की आवाज को इग्नोर कर देता है। गाड़ी खराब होने की वजह से रोजी उन दोनों को घर छोड़ने आती है। गाड़ी में फिल सोचने लगता है काश रोजी उसको पहले मिली होती तो वह कैरोल से शादी नहीं करता। पीछे कैरोल भी रोजी से बात करना शुरू हो जाती है। कैरोल रोजी को फिल और अपनी शादी के बारे में बता देती है, जिस पर फिल खुश नहीं होता। रोजी से बात करने का मौका ढूंढता है मगर कैरोल उसको ऐसा नहीं करने देती। रोजी उसके बराबर वाले घर में रुक जाती है। फिल रोजी को पटाने के लिए अपने चेहरे की शेव कर लेता है। उसका ये नया लुक कैरोल को अच्छा नहीं लगता, न रोजी को। रोजी इनको अपनी कहानी भी सुनाती है, कैसे उस
उसके हस्बैंड ने उसको चीट किया, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया। रोजी को इम्प्रेस करने के लिए उसके सामने एक्सरसाइज करने लगता है, लेकिन रोजी उसके इम्प्रेस होने की बजाय बाहर खड़ी गाड़ी के बारे में पूछती है। असल में फिल रोजी के लिए गाड़ी गिफ्ट के तौर पर लाया था। कैरोल ये देखकर ज्यादा खुश नहीं होती। कैरोल रोजी को बिठाकर अपने वेडिंग एल्बम दिखाती है, जिसमें उसने फिल और उसकी पिक्चर ड्रॉ की थी। रात में रोजी फिल और कैरोल को बियर पीने के लिए बुलाने आती है, जहाँ पर फिल रोजी को घर के बाहर अकेला ही मिल जाता है और ये बताता है आजकल कैरोल की तबीयत खराब है, और खुद अकेला ही रोजी के घर आ जाता है और दोनों साथ बियर पीते हैं। रोजी नशे में फिल से कहती है अगर वह सिंगल होता तो दोनों में कुछ हो सकता था। ये सुनकर फिल कैरोल से डिवोर्स की बात करने आता है, मगर कैरोल को बड़ी मेहनत से शादी का फ्रेम बनाते हुए देखता है और वे उसे कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद हम एक कट सीन के अंदर देखते हैं फिल के छोड़े हुए मैसेज को पढ़कर एक कार टुक्सोन पहुंच रही है। फिल किसी तरह रोजी को कैरोल को अपनी बातों में फंसा लेता है, ये कहकर किसी तरह उनको धरती पर पॉपुलेशन बढ़ा लेनी चाहिए, जिस वजह से रोजी के साथ उसका सोना जरूरी है। ना चाहते हुए भी कैरोल उसकी बात मान लेती है। फिल अच्छी तरह से रोजी के साथ सोने की तैयारी करता है। जब दोनों इंटीमेट होने वाले होते तब अनजान गाड़ी आकर इनके पास रुक जाती है, जिसमें से टॉल नाम का एक आदमी निकलता है। फिल उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन रोजी उससे बहुत अच्छे से बात करती है। फिल रोजी टॉल के साथ अपने घर वापस आ जाता है। चारों बैठकर बातें करते हैं, तभी फिल जानबूझकर टॉल के मोटे होने का मजाक उड़ाने लगता है। फिल का ये मजाक रोजी को अच्छा नहीं लगता। अगले दिन चारों लोकल डेट पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन कैरोल बीमारी का बहाना बनाकर फिल को अपने साथ रोक लेती है। टॉल रोजी बहुत मजे करते हैं, फिल उनको चुपके से देखता है और बिल्कुल खुश नजर नहीं आता। इस वजह से फिल सबके साथ टेनिस खेलने का बहाना बनाता है, जहां वे अपनी शर्ट उतारकर टॉल को भी ऐसा करने को कहता है, ताकि रोजी के सामने उसका मजाक बन जाए। टॉल की शर्ट उतारने के बाद रोजी उसके पेट पर एक कट का निशान देखती है, जिसके बारे में वो टॉल से पूछती है कि तुम्हारे ये लगी कैसे है। टॉल उनको बताता है उसके भाई को एक किडनी डोनेट की थी। इसके बाद टॉल इमोशनल हो जाता है, वहां से चला जाता है। रोजी भी फौरन उसके पीछे जाती है, फिर उनको साथ देखकर उनका पीछा करता है, जहां दोनों को किस करता हुआ देखकर शॉक हो जाता है, मगर वहीं कैरोल बहुत खुश थी। रात को फिल रोजी को टॉल के लिए भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन रोजी उस पर गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद फिल उससे माफी मांगता है। सोते वक्त फिल को रोजी के घर म्यूजिक की आवाज आती है और वे पूरी रात सो नहीं पाता। अगले दिन टॉल के पास जाकर म्यूजिक की बात पूछता है। टॉल बोलता है रोजी के साथ वे इंटीमेट हो चुका है। फिर फिल टॉल को अपने साथ टाइप पर जाने के लिए कहता है, जहां वो उसको ले जाकर दूर छोड़कर आ जाता है, लेकिन फिर उसको बहुत बुरा लगता है और वह उसको लेकर आता है। टॉल ये मजाक समझकर फिल को बहुत अच्छा इंसान समझने लगता है। अब बस फिल ये चाहता था कि कैरोल और रोजी उसकी तारीफ करें, क्योंकि हर वक्त कैरोल और रोजी टॉल की तारीफ करती रहती है। ये सोचकर फिल वहाँ घूमने लगता है, तभी रास्ते में फिल को एक गाय मिलती है और वह उसको लेकर घर आ जाता है। सब गाय को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी को भी उससे दूध निकालना नहीं आता। टॉल बताता है उसने उसके अंकल के यहाँ पर ये काम सीखा है। ऐसे में फिर वह गाय को अपने घर लेकर आता है। फिल की तारीफ का ये मौका भी उसके हाथ से चला जाता है, जिससे वह बहुत परेशान नजर आता है। एक रात गाय कैरोल के घर घुस जाती है, जिसकी वजह से कैरोल फिल के घर आ जाती है। फिल और कैरोल छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती है, और एक दिन फिल मार्केट आ जाता है। वहाँ उसको दो लड़कियाँ मिलती है, एरिका शेली। वह लड़कियाँ भी फिल के मैसेज पढ़कर टुक्सोन पहुंची थी। फिल उनको देखकर बहुत खुश हो जाता है और दोनों लड़कियाँ फिल से पूछती है क्या वे अकेला बच्चा है, और फिल उनको झूठ बोल देता है, हाँ वे अकेला बच्चा है, जिसके बाद फिल उनके घर आ जाता है। थोड़ी बातें करने के बाद में एरिका फिल को डिनर पर इन्वाइट करती है। ये सुनकर फिल बहुत अच्छे मूड में अपने घर आता है। वह कैरोल से झूठ बोलता है, वह आज रात कैंपिंग के लिए अकेला ही घर से बाहर जा रहा है। कैरोल भी उस पर शक नहीं करती। फिर फिल अच्छे से तैयार होकर डिनर पर जाता है और अच्छे से एंजॉय करता है। डिनर के बाद तीनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। कैरोल रोजी टॉल के साथ डिनर पर आती है, जहां वे फिल की कैंपिंग की बात बता देती है। रोजी को फिल पर शक होने लगता है, क्योंकि वह उस पर भरोसा नहीं करती। टॉल बताता है वह आज रोजी के साथ है तो फिल की वजह से ही है, जिस वजह से फिल को सरप्राइज देना चाहिए। तीनों मिलकर फिल को सरप्राइज देने निकल जाते हैं। रास्ते में कैरोल की गाड़ी का सामना एरिका की गाड़ी से हो जाता है। सब खुशी खुशी गाड़ियों से निकलकर बातें करने लगते हैं, लेकिन फिल एरिका की गाड़ी में छुपा रहता है। एरिका फिल से मिलवाने सबको गाड़ियों के पास लेकर आती है, जहां कैरोल फिल को देखकर शॉक रह जाती है। एरिका के पूछने पर कैरोल बताती है फिल उसका हस्बैंड है। फिल का झूठ पकड़ा जाता है, जिस बात पर सब गुस्सा हो जाते हैं और उसको छोड़कर सब वहां से चले जाते हैं। फिल पूरी रात चलकर अपने घर आ जाता है, जहां सब नाश्ता करते हुए मिलते हैं। फिल उनसे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन सब उसको इग्नोर करते रहते हैं। आखिर फिल सबके सामने अपने झूठ की माफी मांग कर सबसे माफी मांग लेता है। ये सुनकर कैरोल भी फिल से डिवोर्स ले लेती है। फिर फिल आखिर में आजाद हो जाता है। फिर एक नए लड़के की एंट्री होती है, जिसका
नाम रियो था। रियो हैंडसम था, इसलिए सब उसके साथ वक्त बिताने की कोशिश करती है। फिल को ये बात पसंद नहीं आती, मगर वह अब कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उस पर किसी को भरोसा नहीं था। फिर रियो उसके घर से गाय भी निकाल देता है। ये बात रियो की सबको पसंद आती है और एक एक करके रियो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और सब रियो को पसंद करने लगते हैं। रियो की कोई रुकने की जगह नहीं होती, इसलिए फिल उसको अपने घर लेकर आता है ताकि वह किसी लड़की के घर नहीं रुक जाए। फिर रियो शावर लेने के लिए अपनी शर्ट उतारता है तो फिर उसके मसल्स देखकर इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद फिल खुद भी एक्सरसाइज करने लगता है, मगर उसकी बॉडी पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तब एरिक का भी फिल को शर्ट के बिना देखकर हंसने लगती है, जिसकी वजह से फिल शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रोजी फिल को कचरा साफ करने में मदद करती है। यह देखकर टोल रोजी को ब्रेकअप कर लेता है। एरिका कैरोल रियो के लिए गिफ्ट लेकर आती है, मगर रियो को कैरोल का गिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद होता है और रियो सिर्फ कैरोल का गिफ्ट ही एक्सेप्ट कर लेता है। रात में सब साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं, जहां फिल बोलता है वह टुक्सोन का प्रेसिडेंट है क्योंकि वही सबसे पहले वहां पर आया था। वह अपनी अथॉरिटी मानकर रियो पर हुकुम चलाने की कोशिश करता है, लेकिन रियो सबसे प्रेसिडेंट के लिए वोट कराता है और सब रियो को वोट देते हैं। इस वजह से फील के हाथ से वह अथॉरिटी भी चली जाती है। एक रात को कैरोल रियो के साथ इंटीमेट हो जाती है। उनकी आवाज सुनकर फील घर के बाहर आकर बैठ जाता है, जहां टोल भी बैठा रहता है। दोनों फैसला करते हैं वे रियो को यहां से भगा देंगे। अगले दिन फिर टोल को आइडिया देता है वे दोनों रियो को कहीं दूर छोड़कर आ जाएं, जहां से वे वापस ना आ सके। टोल को याद आता है एक बार फील ने भी उसके साथ ऐसा ही किया था और वह समझ जाता है उस दिन फिल मजाक नहीं कर रहा था बल्कि उसको सच में कहीं दूर छोड़कर जाना चाहता था। टॉल फिल से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रियो फिल का घर छोड़कर कैरोल के घर जाने लगता है। इस बात पर गुस्सा होकर फिल रियो से झगड़ा करता है, मगर रियो फिल को बोलता है कि तुम कैरोल से दूर रहो। फिल को एहसास होने लगता है कैरोल बहुत अच्छी थी जो उसको समझती थी। वह फूल के साथ उसको मनाने उसके घर जाता है, मगर कैरोल फिल के फ्लावर रिजेक्ट कर देती है और रात में सबको बताती है रियो ने बिजली इजाद कर लिए। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। रियो उनको बल्ब जलाकर भी बताता है, लेकिन फील उसको जानबूझकर तोड़ देता है। वह सबको अपनी गलती बताता है, मगर सब इल्जाम लगाने लगते हैं। रियो अपनी प्रेसिडेंट की अथॉरिटी इस्तेमाल करके फील को टैक्सोन से निकल जाने को कहता है। ये सुनकर फील खुद को जाकर कमरे में बंद कर लेता है। कैरोल उसको प्यार से बात करके कमरे से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन फील उसकी एक भी नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद फील को आवाज आती है सब उसके लिए गाना गा रहे हैं। आखिरकार जब वो बाहर आके देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। तभी रियो आकर फील को जमीन पर गिराकर बेहोश कर देता है। जब फील आंखें खोलता है तो रियो की गाड़ी में बंधा नजर आता है। रियो उसको एक सुनसान रास्ते में छोड़ देता है और उसके लिए 3 दिन का खाना पानी भी देता है और उसको ये धमकी भी देता है अगर वो टुक्सोन आया तो वो उसको मार देगा। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर फील 3 दिनों का खाना पानी खत्म करके यहां वहां घूमने लगता है। आखिरकार वो थक कर रोड पर गिर जाता है। तब कैरोल गाड़ी से उसके पास आती है। कैरोल 3 दिन का खाना पानी रखकर वहां से जाने लगती है, मगर फील की हालत देखकर अपना माइंड चेंज कर लेती है और फील के साथ रुकने का फैसला करती है और ये भी कहती है वो रियो के साथ नहीं रहना चाहती। वो अच्छा आदमी नहीं है, वो ऐसा आदमी है वो किसी की भी जान ले सकता है। एंड में हम देखते हैं फील और कैरोल अपनी कार में बैठकर अपने नए सफर के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही शानदार सीजन का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो प्लीज माय चैनल सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।